सुविधाओं उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की जिद समृद्ध और वैभवशाली मध्य प्रदेश का मार्ग प्रशस्त कर रही है। प्रदेश में युवा शक्ति को रोजगार ढूंढने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 25 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु करीब 15,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। कम समय में बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के बाद भी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रुके नहीं है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जगत को नई दिशा प्रदान करने के लिए गांव-गांव एवं शहर-शहर में उद्योगों का जाल बिछाने के साथ साथ औद्योगिक क्लस्टर्स, औद्योगिक क्षेत्रों एवं इंक्यूबेशन सेंटर्स की श्रृंखला विकसित करने का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया है। लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछा देना है मध्य प्रदेश की धरती पर, जाल बिछा देना। सीहोर जिले के बुद्धि से इसकी शुरुआत हुई है। सीहोर के अलावा भोपाल, राजगढ़, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, जबलपुर और रीवा में 5,521 करोड़ रुपयों से ज्यादा का पूंजी निवेश करते हुए 26 नए औद्योगिक क्लस्टर्स, औद्योगिक क्षेत्र और इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। भोपाल में सैडमैप द्वारा स्थापित फूड प्रोसेसिंग एवं ग्वालियर में अपैरल इंक्यूबेशन सेंटर, सीहोर के बुधनी में टॉय क्लस्टर, भोपाल के बैरसिया में खाद्य प्रसंस्करण और भोपाल के ही आदमपुर में बहुमंजिला मेडिकल डिवाइस क्लस्टर स्थानीय लोगों को रोजगार एवं क्षेत्र के विकास के सर्वाधिक अवसर प्रदान कर रहा है। क्लस्टर लगने से आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान होगी, उसके लिए शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुउत्पाद क्लस्टर है ये, जिसमें कुल 150 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, वो 4,000 से अधिक लोगों को इसमें रोजगार प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय मंत्री जी श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी का, जिनके प्रयासों से ये नीति लाई गई। हम यहाँ पर फूड क्लस्टर लगा रहे हैं, जिसमें राइस मिल, मैदा मिल, आटा मिल, पोहा मिल और मस्टर्ड ऑयल मिल। चूंकि यहाँ ये एक अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पर इस तरह के क्लस्टर या कोई भी फैक्ट्री नहीं है, और यहाँ का जो युवा है बाहर जा रहा है, वो युवा यहीं रहेगा और उसको यहीं पर काम मिलेगा। एक मेडिसिन पार्क की स्थापना करने जा रहा हूँ, और ये विशेषकर इसका फोकस ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस को सप्लाई है और डिजास्टर रिलीफ को जो सप्लाई है, कोई भी इस तरह का क्लस्टर मध्य प्रदेश में नहीं है। सरकार ने इतनी तेजी से अप्रूवल दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। न्यूनतम 5 एकड़ शासकीय एवं निजी भूमि पर नए क्लस्टर विकसित करने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली के साथ सरल एवं पारदर्शी नीति बनाई गई है। निजी क्लस्टर के विकास के पश्चात 5 करोड़ रुपयों के व्यय की प्रतिपूर्ति, शासकीय भूमि पर SPV को अधिकतम 5 करोड़ की प्रतिपूर्ति और टॉय एवं फर्नीचर क्लस्टर के लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बहनों और भाइयों, बेरोजगारों को रोजगार देने में, इन काम धंधों से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम दिन और रात काम करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक क्रांति, रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए उठाए जा रहे कदम राज्य को नई ऊंचाइयां प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।